अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सब खैरियत से हैं। होप सो के आप सब भी खैरियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाही तवक्कलतुल्लाही, बहुत बेहतरीन दुआ है, आप इस दुआ को अपनी जिंदगी के मामूल में लाएं। तो मामू जान आज फिर से हमारे साथ हैं, तो रेसिपी मामू जान शेयर करेंगे आपसे। जी, मेरी दो गैरा ये थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसके लिए मैं आ नहीं सका, दाम में पड़ती मेरे मसला। आज मैं ठीक हूँ, तो आज मैंने चाहा कि अपने प्यारों के साथ जाके फिर कोई ना कोई रेसिपी शेयर करूं। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं मटन की रेसिपी। मटन कोरमा बनाएंगे जो बड़ा मज़े का होता है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आए हम आपको बताते हैं। अभी ना 2 किलो मेरे पास मटन है, दो बड़ी कटी हुई प्याज, तीन अदर टमाटर है मेरे पास कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अब इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हमने बनाना है कोरमा, इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। जायका नमक आप शामिल कर लें, नमक भूनते हुए भी हम शामिल कर सकते हैं, और 1.5 खाने का चम्मच आप स्लो मिर्च पाउडर शामिल करें, इसलिए कि ये अच्छी तरह इसके अंदर जज़्ब हो जाए। मसाले जो है हम इंशाल्लाह भुनाई में शामिल करेंगे। तो अब हम इसे लगाएंगे 10 मिनट के लिए प्रेशर। जी नाज़रीन, हमने 10 मिनट के लिए इसे प्रेशर लगाया था, अब इसे मैंने कढ़ाई में निकाल लिया, इसमें 1 कप ऑयल शामिल किया है, अब इसकी हम करेंगे बुनाई। पानी खुश कर लें, फिर इसमें शामिल करेंगे मसाले जो है। गोश्त बड़ा जबरदस्त गला है हमारा, जी नाज़रीन ये पानी तकरीबन खुश हो गया है, इसमें अब टाइम है कि हम शामिल करें अपने मसाले, और मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जो अपना ये एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। डेढ़ खाने का चम्मच पिसा हुआ खुशक धनिया, 1 खाने का चम्मच जीरा, 1/2 खाने का चम्मच हल्दी, 1.5 खाने का चम्मच जो है मेरे पास कोरमा मसाला है, आप घर भी बना सकते हैं, बाजार से भी किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं। मिक्स कर लें और अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लें जब तक इसका पानी खुशक हो जाए। गरम मसाला हम इसमें एंड में शामिल करेंगे। माशाल्लाह ये बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा गोश्त अच्छी तरह गल भी गया है और इसका जो है ये छोटा भी नहीं है। घी ऊपर आने तक हम इसका वेट करेंगे। जी नाज़रीन हमारी बड़ी अच्छी तरह बुनाई हो गई है गोश्त की, तो आप ये देखें ये ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने बनाना है कोरमा तो अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी,
एक गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और 10 मिनट के लिए इसे हम जो है हल्की आंच पे पकाएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ताकि हड्डियों का सूप जो है ये हमारा बड़ा अच्छी तरह निकले, और आंच बिल्कुल आपने कम कर देनी है 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी घी ऊपर आ गया, कोरमा माशाल्लाह हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला। एक खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला, जी नाजरीन से डिश आउट करके गार्निश करके अब मिलते हैं। लो जी नाजरीन, ये माशाल्लाह यम पम हो गया। यम पम मीन ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गार्निश हमने कर दिया था, बड़ी खूबसूरत लुक आई है, तो इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, ज़रूर ट्राई करना। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएँ ताकि आप तक आने वाली हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके।